यूपी में भले ही मायावती की बीएसपी सबसे ताकतवर पार्टियों में से एक हो, लेकिन यूपी की सीमा से बाहर जाते ही हाथी की रफ्तार धीमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो यूपी के अलावा किसी और राज्य में विकल्प के तौर पर नहीं उभर सकी। अगर बात करें राजस्थान की, तो यहाँ पिछले विधानसभा चुनाव में बीएसपी की हालत कुछ खास नहीं रही। 195 सीटों पर लड़ी बीएसपी को सिर्फ 3 सीटों पर ही जीत मिल सकी थी। तो वहीं एक सीट ऐसी भी थी जहां मायावती की बीएसपी की टक्कर पार्टियों से नहीं बल्कि नोटा से थी। ये सीट थी झालावाड़ जिले की झालरा पाटन सीट, जहां से खुद वसुंधरा राजे चुनाव लड़ रही थी। इस हाई प्रोफाइल सीट पर बीएसपी ने देवलाल डांगी को वसुंधरा के खिलाफ उतारा था, लेकिन वो ईवीएम में मौजूद विकल्प नोटा को भी टक्कर नहीं दे पाए। साल 2013 के विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए, तो बीएसपी कैंडिडेट टॉप 3 की रेस से भी बाहर हो गए। इन चुनाव में बीजेपी को 1,14,384 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस को 53,488 वोट मिले। 3,729 लोगों ने नोटा दबाया और बीएसपी को मिले 3,100 वोट। इस तरह झालरा पाटन सीट पर ईवीएम विकल्प नोटा ने बीएसपी को मात दे दी। मायावती की बीएसपी और नोटा के बीच 629 वोट का अंतर था। आपको बता दें कि बीएसपी को पछाड़ने वाले नोटा यानी नन ऑफ द अबव का विकल्प ईवीएम में साल 2013 में ही दिया गया था। इसके पीछे चुनाव आयोग का मकसद था कि अगर मतदाता किसी प्रत्याशी को वोट नहीं देना चाहते हैं, तो वो नोटा का इस्तेमाल कर सकते हैं।